नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप जांगिड़। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप जांगिड़ होम्योपैथी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, जो कि पुरुषों के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर जब आपकी ग्रोथ हो जाती है और यानी कि जब आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो जब बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके कारण आपको आपके यूरिन करने में आपको दिक्कत आना शुरू हो जाती है, आपको रात को बार बार उठना पड़ता है, आपको पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, यह कुछ सिम्टम होते हैं जो कि अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में यह जो ड्रॉप होती है बहुत ही अच्छा काम करती है। यह एक होम्योपैथी पेटेंटेड मेडिसिन है जिसका कि आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ हो जाती है उसको कंट्रोल करने में और आपकी जो यूरिन की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, प्रोस्टेट से संबंधित अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे हिसाब से अगर हर डॉक्टर जो भी होम्योपैथी काम में लेते हैं उनको दिमाग में सबसे पहले जो एक पेटेंटेड मेडिसिन आती है वह मेडिसिन होती है प्रोस्टोनम ड्रॉप। दोस्तों, यह जो है ये एसबीएल का एक प्रोडक्ट है जिसका कि नाम है प्रोस्टोनम ड्रॉप। यह 30 ml की पैकिंग में अवेलेबल होता है और इसकी जो MRP है वो 130 rupees MRP है इसकी, जो कि आपको किसी भी आपके आसपास के अच्छे होम्योपैथी स्टोर होंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रोस्टोनम ड्रॉप जो है वो प्रोस्टेट की एक बहुत ही खास दवा है। दोस्तों, प्रोस्टोनम ड्रॉप होती है उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस है जिसको भी मिलाकर यह प्रोस्टोनम ड्रॉप को बनाया गया है और आपके जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसकी जो ग्रोथ हो जाती है जिसको भी बोलते हैं BPH यानी बिनाइट प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, उसकी जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करने में और आपकी यूरिन की जो प्रॉब्लम उसको दूर करने में इसमें सारे वो कॉम्बिनेशन है जो कि इसमें आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को नॉर्मलाइज करने में और यूरिन के फ्लो को बढ़ाने में आपको काम में लिए जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड आखिर होती क्या है और ये कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो एक पुरुषों में पाई जाती है और यह यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर जब आपका खत्म होता है और जो यूरिथ्रा से जब कनेक्टेड होता है तो वहाँ पर यूरिथ्रा को घेरे हुए यह प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो कि पाई जाती है। और यह जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यह प्रोस्टेट ग्लैंड का जो आकार होता है वह करीब करीब एक अखरोट के आकार की जो ग्लैंड होती है वह होती है और इसका जो मुख्य रोल होता है वह होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करना। प्रोस्टेटिक फ्लूइड जो होता है वो आपके सीमन का या जो वीर्य होता है पुरुषों का उसका एक मुख्य पार्ट बनाता है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि 50 साल की जो आसपास की जो एज होती है उसके बाद में ये बढ़ना शुरू हो जाती है। इसमें फैमिली हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इसमें रोल होता है यानी हेरिडिटी। अगर आपके परिवार में इस तरह की प्रॉब्लम, अगर आपके पिताजी को अगर आपको इस तरह की समस्या रही है तो हो सकता है आपके अंदर भी ये प्रॉब्लम आए। ऐसा माना जाता है दोस्तों 50 के आसपास जब आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो उसकी वजह से ये जो ग्रोथ होती है वो होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है अगर वो बढ़ना शुरू हो जाती है तो आपको जो यूरिन करने में आपको कुछ दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी, कुछ सिम्टम होंगे जो कि देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको रात को इसमें आपकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, आपको यूरिन के लिए रात को बार बार उठना पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो कि बोलते हैं मुझे हर घंटे से यूरिन के लिए उठना पड़ता है और रात को करीब करीब 8 से 9 बार वो उठते हैं यूरिन करने के लिए, और जब वो यूरिन करने के लिए जाते हैं उसके बावजूद भी उनको यूरिन करने के लिए बहुत फोर्स करना पड़ता है, यानी उनको यूरिन करने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, अदरवाइज उनका यूरिन पास नहीं होता है। और अगर यूरिन पास होता भी है तो वो बिल्कुल बहुत ही पतली एक स्ट्रीम के रूप में आता है, यानी उनकी जो धार होती है वो धार बहुत ही पतली होती है, वो फोर्स करने के बावजूद भी उनको ऐसा लगता है यूरिन आ नहीं रहा है। यूरिन करने के बाद में उनको लगेगा यूरिन बीच बीच में रुक रहा है, यूरिन रुकेगा बाद में वापस स्टार्ट होता है। कुछ कुछ लोगों के अंदर यूरिन करने के लिए उनको थोड़ा सा उनको घुटनों के बल पर आपको बैठना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको झुककर आपको यूरिन करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन होती है वह भी आपको प्रोस्टेट की जो समस्या होती है उसमें अक्सर देखने को मिलती है। कुछ लोग जो होते हैं उनको यूरिन करने में जलन भी हो सकती है। दोस्तों, यह कुछ कॉमन सिम्टम है जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो अगर बढ़ जाती है तो उसमें देखने को मिलते हैं। आपको दिन के अंदर जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी होगी वो भी इसमें बढ़ जाती है। यह कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं दोस्तों जो अगर आपको प्रोस्टेट की ग्लैंड में अगर ग्रोथ हो जाती है तो देखने को मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जो प्रोस्टोनम ड्रॉप है हमारी, इस ड्रॉप के अंदर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस है जिनको मिलाकर यह प्रोस्टोनम ड्रॉप बनाई गई है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें इस कॉम्बिनेशंस की तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है इसमें सबल सेरुलेटा। दोस्तों, सबल सेरुलेटा प्रोस्टेट में अगर ग्रोथ हो जाती है तो सबसे पहले जो दिमाग में हमारे मेडिसिन आती है वो होता है सबल सेरुलेटा। जो कोई भी होम्योपैथी के बारे में जानकारी रखता है उसको सबको पता होता है कि सबल सेरुलेटा किस काम में ली जाती है। सबल सेरुलेटा होम्योपैथी में प्रोस्टेट की एक स्पेसिफिक दवा है। आपको जब रात को बार बार उठना पड़ता है, आपको यूरिन आपको पूरा प्रॉपरली पास आउट नहीं होता है, यूरिन आपको बार बार आपको इच्छा होती है, बस ऐसी कंडीशन में सबल सेरुलेटा बहुत अच्छा काम करती है। सबल सेरुलेटा यूरिन के फ्लो को बढ़ाती है, आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी ग्लैंड की जो ग्रोथ होगी उसको ग्रोथ को कंट्रोल करने में यह काम आती है। इसके बाद में जो अगला इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों वह है इसकी चिमाफिला। चिमाफिला जो होती है वह आपके जो यूरिन के लिए जो आपको बार बार इच्छा हो रही है उस इच्छा को, अगर बार बार इच्छा होती है उसके साथ साथ आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है और उसमें भी आपको यूरिन करने के लिए थोड़ा सा
फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि यूरिन की जो धार होती है वो धार या फ्लो जो होता है वो प्रॉपरली नहीं होता है, थोड़ा वीक होता है। ऐसी कंडीशन में चिमाफिला बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है इसके अंदर दोस्तों, जो कि है इसकी क्लेमेटिस। क्लेमेटिस के अंदर दोस्तों आपको जो पेशाब है वो पेशाब थोड़ा कम आएगा, यूरिन करते समय आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, आपको इसके साथ साथ यूरिन में कभी ऐसा लगेगा थोड़ी जलन हो रही है, रुकआउट हो रही है, रास्ता सिकुड़ा सा आपको महसूस करता है, ऐसी कंडीशन में क्लेमेटिस बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है जो कि है इसके अंदर कोनियम। कोनियम भी दोस्तों प्रोस्टेट की जो ग्रोथ होगी है, इस ग्रोथ को कहीं भी आपको मान लीजिए दोस्तों कोई ग्लैंडुलर ग्रोथ होती है, स्पेशली अगर प्रोस्टेट की बात करें तो प्रोस्टेट की जो ग्लैंडुलर ग्रोथ हो जाती है उस ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कोनियम बहुत अच्छा काम करती है। उसकी जो ग्रोथ है ग्रोथ को कम करती है, प्रोस्टेट की जो साइज जो बढ़ गई उसको नॉर्मल करने में कोनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। अगली जो मेडिसिन है जो इसके अंदर है वो है परेरिया। परेरिया भी इसकी एक बहुत ही खास दवा है। परेरिया आपको जब यूरिन करने के लिए आपको जोर करना पड़ता है, आपको यूरिन पूरा खाली नहीं हो पाता है, और उसके साथ साथ आपको घुटनों के बल पे आपको ऐसा लगता है कि जोर लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में परेरिया बहुत अच्छा काम करती है। अगली जो मेडिसिन है वो है पल्सेटिला। पल्सेटिला के अंदर आपको जो डिज़ायर होती है यूरिन की वो बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ कभी कभी आपको बर्निंग हो सकती है, यूरिन के अंदर आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसी कंडीशन में पल्सेटिला बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ये इसके कुछ मुख्य इसमें कॉम्बिनेशन है जो कि आपके प्रोस्टेनम ड्रॉप जो है उस ड्रॉप के अंदर आपको मिलेंगे। दोस्तों प्रोस्टेनम ड्रॉप प्रोस्टेट ग्लैंड की जो ग्रोथ है उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको प्रोस्टेनम ड्रॉप को लेना कैसे है, किस तरह से इसको लेना है। दोस्तों प्रोस्टेनम ड्रॉप जो है उसको लेने का तरीका होता है 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी के साथ आपको धीरे धीरे सिप बाय सिप पीना होता है। यानी आप एक खाली कप लें, खाली कप के अंदर आप 20 ड्रॉप डालें आप प्रोस्टेनम ड्रॉप की, उसके ऊपर आपको आधा कप गुनगुना पानी डालना है, उसके बाद इसको धीरे धीरे सिप बाय सिप पीना होता है। इसी तरह से आपको इसको दोपहर को लें आप, इसी तरह से आपको शाम को लें, इसमें दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर और शाम। दोस्तों इसके अलावा इसके साथ साथ और भी कुछ मेडिसिन है जो कि आपको सिम्टम को देखते हुए आपको होम्योपैथी डॉक्टर जो होते हैं वो आपको दे सकते हैं। इसलिए आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं हमेशा अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। या जो भी हम लोग जानकारी देते हैं दोस्तों ये आपकी जानकारी के लिए होता है, सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। मेडिसिन लेते समय हमेशा चिकित्सक की सलाह लें, उसके बाद ही आप कोई मेडिसिन लें। दोस्तों यह एक छोटी सी जानकारी है प्रोस्टेनम ड्रॉप के बारे में जो आज मैंने आपके साथ में शेयर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी से आपको संतुष्ट हुए होंगे और आपको ये जानकारी पसंद आई है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।